व्यूअर्स, क्या आपको जोड़ों का पुराना दर्द है, चलने फिरने में दर्द, कड़कड़ की आवाजें आती हों, घुटने में सूजन सी महसूस हो, दर्द, बेचैनी, रात को नाकाबले बर्दाश्त दर्द, मौसम के तब्दील होने और सर्दी के बायस जोड़ सुन हो जाते हों, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। व्यूअर्स, ये बीमारी खून की कमी, जिस्मानी कमजोरी और बढ़ापे में हड्डियों की चिकनाई कम हो जाने की वजह से होती है। अब लेकिन ये बीमारी आम सी हो गई है, ये यंग उम्र में भी होना शुरू हो गई है। ये दर्द या तो दाएं घुटने में या बाएं घुटने में या फिर दोनों घुटनों में होती है। बैठने के बाद उठकर खड़ा होने में बहुत तकलीफ होती है। रात के वक्त ये बीमारी बढ़ जाती है। सर्दी और बरसात के मौसम में ये बीमारी दर्द के साथ मरीज को बेचैन और बेकरार कर देती है। चलने फिरने, उठने बैठने में दुश्वारी होती है। इवन के वॉशरूम में जाने में भी बड़ी दिक्कत होती है। घुटने सख्त हो जाते हैं, कभी कभी सूजन भी आ जाती है। व्यूअर्स, ऐसे मसले अगर आप लोगों के साथ हों तो ये आपने वीडियो को आगे स्किप नहीं करना और फैमिली फ्रेंड में लाजमी शेयर करना है ताकि दूसरे लोग इससे मुस्तफीद हो सकें। चलें व्यूअर्स, इलाज की तरफ आते हैं। तो आपने करना ये है कि आपने 10 ग्राम सौंठ लेनी है, यानी सूखी अदरक लेनी है। 5 ग्राम आपने श्या मिर्च लेनी है। 5 ग्राम ही आपने मेथी दाना लेना है और थोड़ा सा सेंधा नमक या लाहौरी नमक। ये आपने तमाम चीज़ों को बारीक पीस कर एक शीशी में आपने इनको भर लेना है। आपने इस पाउडर की आपने आधी चम्मच लेनी है और इसके साथ आपने शहद की एक चम्मच लेनी है। शहद की एक चम्मच में आपने आधा चम्मच ये पाउडर ऐड करना है और इसको मिक्स करके आपने इसको चाटना है। व्यूअर, इसको चाटने से आपके घुटने की दर्द को आराम आएगा। इसके साथ साथ आपने करना ये है कि आपने 10 ग्राम सौंठ लेनी है और 10 ग्राम अजवाइन लेनी है। इन दोनों चीजों को आपने 200 ग्राम सरसों के तेल में डालकर अच्छी तरह पकाना है जब तक ये जल ना जाए। जैसे ही ये जल जाए आप इसको आंच से उतार कर ठंडा कर लें और ये तेल आपने नतार कर सुबह शाम घुटनों पर मालिश करनी है और उसके बाद आपने गर्म पट्टी से बांध लेना है। इंशाल्लाह आपको आराम आएगा। इसके साथ साथ करना ये है, आपने खाने के साथ लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कुछ ही दिनों में आपको आराम आ जाएगा। व्यूअर्स, घुटने के दर्द का कोई भी इलाज करें लेकिन भूख से एक रोटी कम खाएं। फलों का इस्तेमाल ज़रूर करें लेकिन ठंडी तासीर वाले फल मत खाएं। लस्सी, चाट, पकोड़े, मछली, गोश्त वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सुबह और शाम घास पर नंगे पांव चलें, घुटनों को मोड़ कर ना बैठें और ना ही लेटें। रात को सोते वक्त एक गिलास दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर पिएं। दूध के साथ इसबगोल का छिलका लें ताकि पखाना आसानी से आए। जिस्म को ज़्यादा थकावट वाले काम ना करने दें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आप पर रहमतें और बरकतें नाजिल करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।